नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको लाभ और हानि चैप्टर के अंतर्गत लाभ का एक सवाल बताया था। आज की वीडियो में हम आपको हानि और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। सवाल जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु को ₹400 में खरीद कर ₹336 में बेचा जाता है, हानि तथा हानि प्रतिशत निकालिए। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जाता है, ₹400 में। तो जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। वस्तु का किराए मूल्य बराबर ₹400। अब वस्तु को ₹336 में बेचा जाता है, यह हमारे प्रश्न में दिया है, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर ₹336। अब यहाँ पर दोस्तों हमको देखना है कि हमारा क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर चूंकि विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, इसलिए यहां पर हानि होगी। तो हानि बराबर हमारा फार्मूला होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब जैसा कि यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है ₹400, माइनस विक्रय मूल्य ऊपर हमने लिखा है ₹336। अब 400 में 336 घटाना है हमको, तो जब हम 400 में 336 घटाते हैं तो हमारा आएगा ₹64। तो ये जो ₹64 आया है ये हमारी हानि आई है, हानि बराबर ₹64। अब देखिए दोस्तों, सवाल में दिया था हानि तथा हानि प्रतिशत निकालिए। अब हानि हमारी आ गई है ₹64। अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत बराबर। तो हानि प्रतिशत के लिए हमारा सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100 बराबर। तो अभी हमने यहाँ पर हानि निकाली ₹64, 64 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य दिया है ₹400 गुणे 100। अब इसको काट देंगे हम लोग, 100 एकम 100, 100 चौको 400, 4 एकम 4, 4 का भाग 64 में देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 16 इक्वल टू 16%। इस प्रकार से हमारा हानि प्रतिशत आ गया 16%। हाँ तो दोस्तों हमारा फाइनली उत्तर क्या आ गया, अतः हानि बराबर
64 रुपए एवं हानि प्रतिशत बराबर 16%। ये हमारा आंसर आ गया है।